हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान पेपर यहाँ पर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था, उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे। 100% आपको यहाँ पर रेलवे की नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो भी मैं आपके जीके के, गणित के, रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंस के जो भी सवाल लेकर आया हूँ, सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 9 से 10 सवाल आपकी अगली शिफ्ट में यहां से रिपीट करने वाले हैं। तो गए जल्दी से एक एक सवालों को देख लेते हैं, सभी को ट्रिक से कर लेते हैं। एक एक सवाल आपको मैं ट्रिक से बता देता हूं। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज, एक एक सवाल कर लेते हैं, सभी को मैं ट्रिक से करा देता हूँ। एक एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से। पहला सवाल आपके सामने है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है? तो गाइज, ये ट्रेन चलती है आपकी समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। तो गाइज, एक सवाल ये भी पूछा गया, भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? भोलू गार्ड के रूप में गज, हरी बत्ती वाला लालटेन उठाए। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत के आजाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बना? तो गाइज, इनका नाम था जॉन मथाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। देख लेते गाइज अगला सवाल। दोस्तों, पेपर काफ़ी आसान था, आप आराम से कर सकते थे। इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज, ये आपका है आंध्र प्रदेश राज्य। देख लेते गाइज अगला सवाल, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज, ये आपका है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? ये आपका कर्नाटक राज्य का एक डांस है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और आप लोगों ने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए ये लाल कलर का बटन जो नीचे की साइड होता है, इसको दबाकर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देख लेते गाइस अगला सवाल, काफ़ी आसान सवाल था। एक सवाल ये भी पूछा गया, लावणी किस राज्य का डांस है? लावणी आपका महाराष्ट्र राज्य का एक डांस है। देख लेते गाइस अगला सवाल। संविधान से पूछा गया, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ये आए थे 208। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो गाइस, ये लगाया 50 लाख रुपये का। ये भी आप देख लेंगे, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में जो पदक जीता, उसका नाम क्या है? स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेते अगला सवाल क्या पूछा गया। दोस्तों, जितने भी रीजनिंग और मैथ के सवाल हैं, सभी को मैं ट्रिक से कराऊंगा। एक एक सवाल जल्दी से देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने पूछेगा, वो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो लॉजिक बता देता हूँ। 8 में 9 की गुणा होगी तो 72 आएगा, 13 में 9 की गुणा होगी 117 आएगा, 21 में 9 की गुणा होगी 189 आएगा, 7 में 9 की गुणा होगी 63 आएगा, 4 में 9 की गुणा होगी 36 आएगा, 6 में 9 की गुणा होगी, जब आप 6 में 9 की गुणा करोगे तो आएगा 54। तो दोस्तों, 54 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। जिस बच्चे ने यहाँ पर बी ऑप्शन मार दिया, उनका राइट आंसर हो गया। तो गाइस, इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से।
दोस्तों ये काफ़ी आसान सवाल है, इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ। उन विद्यार्थियों का क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो भौतिक और रसायन तो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते। मतलब इन दोनों को तो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते, तो क्या करेंगे? गणित वाले को पूरे को हटा देंगे, गणित वाले को पूरे को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या बचेगा? और इसने बोला है भौतिक और रसायन को साथ साथ पढ़ना चाहिए, अलग अलग को हटा देंगे, भौतिक अलग अलग को हटा देंगे और रसायन और भौतिक दोनों को अलग अलग को हटा देंगे। इन्होंने बोला है भौतिक और रसायन को दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। एक साथ पढ़ने वाले हैं ये वाले, यानी कि टी। टी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में टी दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। जिस बच्चे ने डी ऑप्शन मार दिया उनका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगला बेहतरीन सवाल भी देख लेते हैं। अगर आपने अभी ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, ये बहुत आसान सवाल था। इसको सोल्व करने के बाद में क्या आएगा? ठीक है गाइस, प्लस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है भाग, गुणा का मतलब है घटाना और भाग का मतलब है प्लस। तो गाइस लॉजिक लगाएंगे क्या होगा? 16। भाग का मतलब क्या है? घटाना। गुणा 4। गुणा का मतलब क्या है? दोस्तों भाग का मतलब इसने बोला है यहां पर जोड़ना और गुणा का मतलब बोला है घटाना। घटा देंगे 10 को। और घटाने का मतलब क्या बोला है इसने? भाग करना। भाग कर देंगे 5 से। और प्लस का मतलब क्या बोला है? गुणा करना, यानी 8 से गुणा हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो। 5 × 10, 2 × 8 = 16, यानी 16 + 4 - 16। 16 से 16 कट जाएगा, 4 बच जाएगा। जिस बच्चे ने यहाँ पर 4 मार दिया यानी सी ऑप्शन मार दिया उनका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे। तो दोस्तों ये सवाल का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक ये सवाल पूछा गया, ये भी काफ़ी बेहतरीन था। इसको भी मैं लॉजिक से बता देता हूँ कैसे करना था। रोप का कोड दिया गया है, एप्पल का कोड दिया गया है और ये कोड दिया गया है, इसका यहाँ पर वर्ड पूछा है, शब्द पूछा है, क्या होगा, कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में, आपको कॉपी पेस्ट लगाना है, मतलब यहीं से उठाना है, यहीं पर लिख देना है। क्या करेंगे? 5 का मतलब क्या लिखा है इसने? 5 का मतलब लिखा है पी, चलो पी लिख लो। 4 का मतलब क्या लिखा है इसने? 4 का मतलब लिखा है ओ रख दो। 6 का मतलब क्या लिखा है इसने? ई रख दो। ठीक है, 1 का मतलब क्या लिखा है इसने? ए, तो ए रख दो। 3 का मतलब क्या लिखा है? आर रख दो, आर रख दो। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, आपको अगर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पी ओ ई ए आर, यानी सी ऑप्शन। जिस बच्चे ने ये सवाल का राइट आंसर सी ऑप्शन मार दिया उनका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहनों ने, सभी स्टूडेंट ने, जो भी प्यारे प्यारे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। देख लेते गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, गणित और रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन जो नीचे की साइड होता है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पेपर के लिए, अगले शिफ्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।